पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। पूरा बिस्किट दे दे चल। हाँ लाइक मार दे ऐसे। ये पापा सी मैं तो ऐसे ही खाती हूँ कई बार। ओ ये रही गाइस आलू गोभी की सब्जी। चलो ये देखिए सुबह के 12:30 हो चुके हैं और सुबह मेरी जिठानी का फोन आया था कि वो लोग आ रहे हैं, तो बस अब खाने की तैयारी कर रही हूँ। अब जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो नॉनवेज तो बनेगा नहीं, तो मैंने रखी है यहाँ पे राजमा और उड़द की दाल। यहाँ पे रखी है मैंने राजमा उड़द की दाल बॉईल होने के लिए, और यहाँ पे बना रखी है मैंने करेले की सब्ज़ी। तो अब रायता बना दूँगी थोड़ा सा और फिर गरम गरम चावल बन जाएंगे। देखते हैं कब तक आएंगे, 12:30 हो चुके हैं, इंतज़ार करते हैं उनका। आप भी ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलेंगे थोड़ी देर में। इसके उल्टे काम हो रहे हैं, हे भगवान। इधर आओ उल्टे का। हाँ वो चैम्बर खोल रहा ऐसा है, ये देखो। नाती आया, नाती ने आते ही नाक में दम करना शुरू कर दिया। छोमो उल्टे का उल्टे, और छेम हो गई वहाँ, देख छेम हो गई नानो। आगे बात चंद्र आगे आओ। अच्छा किटी के साथ हेलो कर दो, चलो हेलो कर दो, करो हेलो करो, हेलो हेलो कर देना, हेलो। तूने कब खाना है तूने? ओ देख लो। अच्छा रुक जा जा। हाँ खा ले। बहु उसने आम लिया बाबा। मेरे को पूरा बिस्किट दे दे तू, मेरे को पूरा बिस्किट दे दे चल। हाँ माँ जी ये क्या है, तो पूरा देना फिर। पूरा नहीं दूंगा मैं, दिखने चले माँ। चाय चाय खा। अच्छा कैसी हो रही चॉकलेट? अच्छी हो रही है। ये होता है लाइक, ये तो डिसलाइक हो गया। सबको खिला दे। शोमी घर जा रहा है? घर जा रहा है? दादी पास रह जा। कितनी भी बेचारी। आज मेरी दवाई तो दे जा तू। मेरी दवाई भी, मेरी दवाई है वो। अरे तेरी दवाई कहाँ? तेरी दवाई कहाँ से आई? मेरी दवाई है। नहीं तेरी दवाई नहीं। ये मेरी दवाई है बाबू। तेरी दवाई कहाँ से आई? बाल को ले लिया पार दादी अपार। अच्छा बाय बोल दो, जरा बाय बोल दो। बाय यहाँ से। ओ माँ बाय बाय किट्टी। अच्छा दादी की बाल वो दे। रुक जा दादी के पैर छू दे। अच्छा दादी को बाय तो बोलो भाई। बाय दादी। हाँ चल ठीक है हाँ ओके अच्छा तो शोमी बाय बच्चा। किटी इधर आओ, इधर आओ किटी इधर आओ, आओ चलो इधर आओ, आ जाओ शोमी। बाय करो, बाय बच्चा, बाय। तो आज बन रहा है खाने में आलू बड़ी, क्योंकि सब्जी घर में थी नहीं, तो सोचा क्या बनाएं, तो दिमाग में आ गया चलो आज आलू बड़ी बनाते हैं। तो मैंने बनाई है आलू और सोयाबीन की बड़ी। दोस्तों कैसे हो आप लोग? मेरे बहुत अच्छे होंगे। एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हिंदी पहाड़ी ब्लॉग में। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार और मैं एकदम रेडी हो रखी हूँ। तो आज मैंने वियर की है पूरी साड़ी। देखिए कैसी लग रही हूँ साड़ी में। इसमें मेरी मदद मेरे बेटे ने की है, ये जो वो प्लेट्स होती है ना प्लेट्स बनाने में,
तो ये मदद की उसने। तो दोस्तों आज मैं जा रही हूँ अभी मंदिर, मैं उन्हें मंदिर के लिए रेडी, घर की पूजा हो गई है, अब मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। और आज हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं अभी मुझे कुछ नहीं पता है, तो मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। चलिए पहले मंदिर चलते हैं, भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, पानी चढ़ाने चलते हैं। आइए पूजा से, मंदिर से। चलिए आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो दोस्तों दिन के 1 बज गए थे और खाना बनाने का समय भी हो गया था, तो आज मैंने बहुत ही सिंपल सा लंच बनाया बच्चों के लिए। आज मैंने कैबेज पुलाव बनाया है बच्चों को, तो रायता के साथ बच्चे खा लेंगे। और उसी के बाद थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन का फ़ोन आ गया। कानू का फोन, आज कानू का बर्थडे है, कानू का फोन चल रहा है। हेलो राधे राधे, ठीक है तू? भाई भाई बधाई हो, लड़का हो गया तेरा। बधाई बहुत बहुत। और क्या हो रहा है आज तेरी झरफर? चलिए मैं आपको थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, थोड़ा सा इससे बात कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? शाम के बजने वाले हैं 5, तो आज मैं सोई नहीं, आज मैं पूरा दिन भर टीवी देख रही थी और या तो फिर मोबाइल चला रही थी। और अभी उठ के मैं बनानी हूँ चाय, ये देखिए। तो चाय पीते हैं और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाती हूँ। दोस्तों तो हम लोग सब लोग आ रखे हैं मंदिर में, चलिए देखते हैं मंदिर में हो रहे हैं कीर्तन, थोड़ा सा कीर्तन वीर्तन करते हैं फिर चलेंगे। दोस्तों मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी, सब्जी मैंने बना ली है, मैं बना रही हूँ रोटी। सवा 9 हो चुकी है और मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं। यहाँ देखो, ये देखिए तो चलिए दोस्तों आज था दूसरा सोमवार, जो कि बहुत अच्छे से मेरा संपन्न हुआ, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, कीर्तन भजन भी हुए। तो चलिए ब्लॉग का एंड में यहीं करूँगी, प्लीज़ अब चलिए दोस्तों ब्लॉग का एंड यहीं करूँगी, मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।